प्राचीन शिव मंदिर श्री चंद्रशेखर विद्यापीठ सन्यास आश्रम मोहल्ला बाग बहरिया पुरानी कपूरथला रोड में आरंभ हुए 50वें चार दिवसीय विराट वेदांत सम्मेलन के पहले दिन की शुरुआत ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी निरंजनानंद गिरिजी महाराज के कृपा पात्र परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी देवेंद्रानंद गिरिजी महाराज की अध्यक्षता में हुई। इस विराट वेदांत सम्मेलन में सतगुरु बाबा लाल दयाल आश्रम दिलबागनगर बस्ती गुजा परमाध्यक्ष श्री श्री 1008 महंत गंगादास जी महाराज महामंडलेश्वर 1008 महंत केशवदास महामंडलेश्वर स्वामी शांतानंद जी महाराज महामंडलेश्वर स्वामी विद्यागिरी जी महाराज दिल्ली वाले महामंडलेश्वर आनंद चेतन सरस्वती जी महाराज हरिद्वार वाले पंचायती अखाड़े के महात्मा आदित्यपुरी जी महाराज आचार्य स्वामी ऋषिराज जी महाराज नवाशहर वाले स्वामी सनीठानंद जी महाराज स्वामी मंगलमूर्ति जी महाराज काछी वाले स्वामी भास्करानंद जी महाराज लसाड़ा वाले स्वामी देवेंद्रानंद जी महाराज पठानकोट वाले स्वामी प्रबोधगिरी जी महाराज नसराला वाले विजय पाठक मंडी गोविंदगढ़ वालों सहित महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों को कृतार्थ किया। इस 5 दिवसीय 50वें विराट वेदांत सम्मेलन से पहले इलाके से शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें संत समाज ने शामिल होकर भक्तों को आशीर्वाद दिया जिसके बाद ध्वजारोहण की रस्म अदा की गई। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की। लगातार महाराज जी के द्वारा जलाई हुई ये ज्ञान ज्योति का प्रकाश इस पीठ पर होता हुआ है, जिस के ज्ञान से व्यक्ति के अंदर का अंधकार निवृत्त हो जाए ताकि इसको शाश्वत शांति की प्राप्ति हो सके। और किसी निमित्त से ये आयोजन नहीं किया जाता, केवल एक ही पर्पस है, ब्रह्म विद्या वेदांत विद्या, ताकि इस प्राणी का जिसलिए इसने जन्म लिया है इसका अंतःकरण शुद्ध होकर ये अपने आप को जान ले कि मैं वास्तव में कौन हूँ। मुमुक्षुत्व और महापुरुषों का संशय है।
जीवन में साधुओं का संग मिल जाए, कोई महापुरुष मिल जाए, संत मिले, सत्संग मिले, मन का आओ मेहमान, तुलसी भाव उदय के चार निशानी जान। जीवन में सत्संग बहुत दुर्लभ।